हेलो दोस्तों, मेरे नए चैनल में आपका स्वागत है सोहिल टेक्निकल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा जो फोटोशॉप में कैमरा रोल का ऑप्शन आता है वो एक काय के लिए यूज़ होता है, फ़ोटो में किस चीज़ के लिए होता है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हमने पीसी में जाते हैं। यहाँ पर हमने फोटोशॉप ओपन करा, फोटोशॉप ओपन हो गया है। मैंने पहले भी बताया है किसी भी फाइल को अपन को ओपन करने के लिए सबसे पहले फाइल पे जाएं, ओपन पे जाएं। ओपन पे जाने के बाद यहाँ पे हमने कोई सी भी फाइल ले ली, जैसे हमने ये वाली फ़ोटो ले ली तो हाल कैमरा रोल का ऑप्शन ओपन आ गया पूरा। यहाँ फ़ोटो आ गई है पूरी, ऊपर लिखा है कैमरा रोल JPEG। यहाँ राइट साइड में आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन होंगे। सबसे पहले एक्सपोजर, कंट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो, वाइट, ब्लैक, क्लियरिटी, विब्रेंस और सैचुरेटेड। पूरे ऑप्शन बताऊंगा मैं आपको लाइन वाइज लाइट। जो एक्सपोजर रहता है, एक्सपोजर का रियल काम क्या रहता है, लाइट को कम ज़्यादा करना। जैसे मैंने ज़्यादा कर दी, लाइट ज़्यादा हो गई, कम कर दी फ़ोटो के हिसाब से। जैसे फ़ोटो को इतनी लाइट अच्छी लग रही तो इतनी ठीक है। और कंट्रास्ट माने कलर को और डार्क करना। जैसे कंट्रास्ट मैंने बढ़ा दी, कलर और डार्क हुआ है, थोड़ी कम कर दी, कलर थोड़े हल्के हुए, कंट्रास्ट सही वजह ही रहता। और हाईलाइट का मतलब जो होता है फ़ोटो को अपन कितनी हाईलाइट दे। जैसे मैंने पूरी हाईलाइट कम कर दी, फ़ोटो में हाईलाइट बिल्कुल क्लियरिटी दिख रहा। अब मैंने हाईलाइट ज़्यादा कर दी तो फ़ोटो में दिख रहा पर ज़्यादा वाइटनेस आ गया, ये हाईलाइट का रहता। शेडो का अपन को जितनी शेडो चाहिए हो इस पर कर दो, शेडो आ जाएगी पूरी। इस पर थोड़ा आगे कर दो, शेडो थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसे ही वाइट का रहता, वाइट पूरी कम कर दो तो बिल्कुल वाइट नहीं आएगी, पूरी ज़्यादा कर दो तो वाइट पूरी आ जाएगी। इसका यूज़ ब्लैक का, जैसे मैंने पूरा ज़्यादा कर दिया तो फ़ोटो बिल्कुल वाइट हो गई, और कर दो वाइटनेस कम हो जाएगी। ब्लैक का ये है, वाइटनेस बढ़ाना है, वाइटनेस कम करना ब्लैक का। और क्लियरिटी माने जिस पर वो पूरी कर दी, क्लियरिटी ज़्यादा हो गई और कम कर दो, क्लियरिटी कम हो गई अपने अनुसार। विब्रेंस माने कलर को और चमकाना। जैसे विब्रेंस कर दिया, कलर देखो और डार्क हो गया और अच्छे लगने लगे, यही रहता मीन यूज। और ये इसके बाद अपन दूसरे ऑप्शन पे जाइए, इसके वाले ऑप्शन पे अपन ने क्लिक करा। इस पर बहुत तीन ऑप्शन आ गया, HUE, सैचुरेटेड, ल्यूमिनेंस। HUE माने कलर को, जैसे येलो कलर है, येलो कलर को अपने ऐसा कर दिया तो ऑरेंज हो गया, और ज़्यादा कर दिया तो ग्रीन हो गया। ऐसे ग्रीन का है, ग्रीन को अपन ने कम कर दिया तो हल्का सा येल्लो हो गया, ज़्यादा कर दिया तो हल्का सा ग्रीन हो गया। एक कलर का है, ऐसे ही ब्लू का है, ब्लू अपन ने कम कर दिया तो ब्लू हो गया, और ज़्यादा कर दिया तो ज़्यादा हो गया। ऐसे ब्लू का है, ब्लू को कम कर दिया तो टी शर्ट का कलर थोड़ा ग्रीन हो गया, ज़्यादा कर दिया तो पर्पल हो गया, अपने अनुसार जैसे अपन को चाहिए हो। ऐसे अपन सैचुरेटेड पे गए, सैचुरेटेड माने जैसे ग्रीन है, ग्रीन का कलर अपन को और अच्छा करना हो तो ग्रीन और चमक गया। येल्लो है, येल्लो को अपन को और अच्छा दिखाना हो तो येल्लो भी हो गया। ऐसी ल्यूमिनेंस का, ऐसे येल्लो है, येल्लो को अपन ने और अच्छा कहा तो येल्लो और चमक गया। ग्रीन है, ग्रीन को अपन ने कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, वो तो अपने अनुसार है जैसी अपनी फ़ोटो को अच्छी लग रही हो। और इसके बाद अपन अपनी इस पे गए ओपन इमेज पे गए तो अपनी फ़ोटो आ गई। फ़ोटो आने के बाद ये अपनी फ़ोटो बन गई है, लगभग तैयार हो गई है कैमरा रोल के ऊपर। यही होता है कैमरा रोल का लगभग यूज़। अब किसी कंप्यूटर में कैमरा रोल आता है या नहीं आता, उसके लिए मैं आपको बता दूँ। एडिट पर जाइए, प्रेफरेंस पे जाइए, यहाँ सबसे नीचे होगा कैमरा रोल का, इस कैमरा रोल पे क्लिक करो और ये ऑप्शन दिए JPEG और ITEF। जैसे ऑप्शन दिया इस पे गए, JPEG पे क्लिक करा और सबसे नीचे वाला ऑप्शन पे ITEF, इस पे क्लिक करने के बाद ओके पे कर दिया। जब भी आप फोटोशॉप पे कोई सी फाइल ओपन करोगे तो सबसे पहले कैमरा रोल ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, धन्यवाद।